सपा का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में सियासी सुरमाओं की परीक्षा की घड़ी आ गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कई बार की कामयाबी से सपा के लिए गढ़ बन चुकी इत्र नगरी में पिछले दो चुनाव भाजपा ने सेंधमारी की है। इस चुनाव में सपा के सामने अपने गढ़ को फिर से बचाने और भाजपा का कब्जा बरकरार रखने की सियासी जंग है। बाजी किसके हाथ लगेगी, यह रविवार को तय हो जाएगा। आज जिन 59 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें से 49 पर बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की थी, वहीं केवल 8 सीटें मिली थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांग्रेस की दिग्गज नेता रही शीला दीक्षित की इस कर्म भूमि को सियासी गलियारे में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। सपा संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि इटावा और मैनपुरी के आसपास के जिन इलाकों को यादव लैंड के रूप में सपा से जुड़ा बताया जाता है उसमें कन्नौज भी शामिल है। गुजरे कई चुनावों में सपा ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की है।